पाकिस्तान की चट्टान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खान बाबा। आई एम वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। सब चीज़ें आप ओरिजिनल नहीं कर सकते। नर्वस तो नहीं है कि ये एक अलग चीज़ है, ये बिल्कुल WWE वाला चीज़। मैं इंडिया को, काली को चैलेंज देता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जोर गाड़ी के साथ सच में लगाया था, लेकिन और हमारा वो प्लॉट है। पर मर्दान की चट्टान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खान बाबा, जो कि मर्दान से स्पेशली जो है रोड़ी काकर के चैलेंज पर लाहौर आ गए हैं। स्टेज जो है वो सजा हुआ, रिंग क्राउड जो है वो फुल एक्टिव है, और ये अपनी फाइट के लिए जाने वाले हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे ये फाइट से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, लाहौर आए हैं आप, लाहौर कैसा लगा और ये बताएं, फाइट आपकी होने वाली है, एग्रीमेंट होने वाला है रोड़ी काकर से, नर्वस तो नहीं है? मैं मैं वो मेरे आधे वो पूरा वो शरीर और मेरा एक हाथ, मैं कैसे उससे नर्वस होऊंगा? मैं अभी बात करके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं मरोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा खान बाबा को। अच्छा, तुम्हारी हड्डियाँ भी तोड़ूंगा, तुम्हारी उंगलियाँ भी तोड़ूंगा, और तुम्हें बताऊँगा कि रोड़ी क्या कर सकता है। बस कुछ ही देर की बात है, उसका हाल फिर देख लेना वहाँ रिंग में। मैं उसको उठाऊँगा और रिंग के नीचे फेंकूँगा। तैयारी से आए हैं फुल? मैं मतलब इस को समझता ही नहीं इस तरह, मतलब अब मैं जब अगर मेरे करियर में देखूं जो पाकिस्तानी रेसलर है, तो इसमें शक नहीं है कि रोड़ी काकर जितना तगड़ा पहलवान यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मुकाबले नहीं है। आई एम वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो वो ज़रा अलग लेवल बन जाता है ताकत का, उस चीज़ का ना। तो मैं नहीं समझता कि रोड़ी काकर मेरे ताकत के बराबर है। वो तो इतने चार्ज हैं, अब ये है कि ऑडियंस देखते हैं जाके, ऑडियंस भी फुल चार्ज हुई हुई है। अब बताइएगा कि मैच के हवाले से क्या कहेंगे, लाहौर में पहली दफ़ा मैच होने जा रहा है इतना बेहतरीन, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये सारे जो WRG की टीम है, हमारी सारी टीम है, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर। बाकी छोटे जिमों मेमों में होती जा रही है, हुई हैं, लेकिन वो उसको हम प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये बिल्कुल WWE वाला चीज़ है, और जितने रेसलिंग इंटरनेशनल वो है ना, तो बिल्कुल प्रोफेशनल चीज़ हो रही है। और इसके बाद और भी प्रमोट करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, या पेशावर या मर्दान या इस्लामाबाद में करेंगे, तो फिर तो और भी ये प्रमोशन के लिए जोर देंगे। खान बाबा, आपका जोड़ इनसे फाइनल वाला कब पड़ेगा? अभी तो आज एग्रीमेंट होने लगेगा आपका, वो सारे मामले आते हैं, फाइनल फाइट कब देखेगी वहाँ? मैं हर टाइम तैयार हूँ, और इसको सिर्फ नहीं, जो भी आना चाहता है, लेकिन वो बराबरी का हो। ज़्यादातर के मैं इंडिया को, काली को चैलेंज देता हूँ, वो आ जाए, जो आना चाहता है आ जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेसलिंग के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ूंगा तो ज़रूर आज। अच्छा ये बताइएगा, आपने खली की बात की, आप उसको चैलेंज देते हैं, वो क्यों नहीं आ रहा आपके पास? असल में पहले उसका जो था ये था कि तुम मेरे बराबर नहीं हो, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, तुम्हारे इतने, ये वो, मैंने अंडरटेकर से लड़ा हूँ, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत होती रहती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50+ मिलियन से प्लस फॉलोअर्स हैं, उसके कम है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो ये जवाब भी ख़त्म हो गया कि मेरा उतना रीच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो अभी तो यही है कि डर रहा है और कुछ भी नहीं। ये आवाम पूछती है कि आप खाते क्या हैं? मैं सब कुछ खाता हूँ। नहीं, वो कहते हैं आप देखें खा जाते हैं। जितना आप जो है एक खानदान पूरा खाता है, मैं अकेले पर वो खाता हूँ। मतलब मैं जब अब भी आ रहा था, तो मैंने 3 किलो दूध पी लिया, और इसके बाद भी 3 किलो पीऊँगा, क्योंकि दूध मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद होता है। और यही है कि मैं देसी खुराक बहुत करता हूँ, हालांकि आपके लाहौर में देसी खुराक उतना नहीं है जितना फास्ट फूड है। फास्ट फूड भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बस पेट भरते रहते हैं। अब आखिर में WG जो ये फेस्टिवल करा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने कहा प्रोफेशनल है, अच्छी स्पोर्ट्स पाकिस्तानी कौम को देखने को मिल रही है, तो WWE एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ ट्राई कर रहे हैं? मैं असल में इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वहाँ तक एक लेवल चला गया ना कि मैं नॉर्मली उसके साथ अब साइन नहीं करना चाहता। फेम की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है, पैसों के लिए ये काम मैं करता नहीं। मतलब उस चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड जैसा भी है स्ट्रॉन्ग है। तो WWE वालों को अगर मुझे अब साइन करना है, तो मेरे उससे वो साइन करेंगे मुझे, वरना इंशाल्लाह WRG को थोड़ी देर में आप देखेंगे, इंशाल्लाह WWE तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिर में जाते थे बता दें, जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं आपके ऊपर, उनके हवाले से क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो ये फेक काम करते हैं सारे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस एक्सपोजिंग आती हैं आपके हवाले से, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? असल में एक बात, ये आप पहले ऐसे इंटरव्यूअर है जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ना, मैं कभी भी नेगेटिव फैंस के बारे में बात ही नहीं करता। है तो वो फैंस ही, क्योंकि अगर आपको देखते हैं तो लाजमी बात है क्यों देखते हैं फिर।
मतलब एक तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं नहीं पसंद, मेरा कंटेंट नहीं पसंद, तो बिल्कुल ही ना देखें। दूसरी बात यही है, हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मतलब आप सब चीज़ें आप ओरिजिनल नहीं कर सकते, अब एक चीज़ भी बनाना पड़ता है ना ज़रूर, ऑफ द स्क्रीन अब जोर सही होता है उसमें। जब आपने एक वीडियो देखी थी हमने गाड़ी के साथ जोर लगाया था, तो जोर गाड़ी के साथ सच में लगाया था, लेकिन और हमारा वो प्लॉटिंग था सारा। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म वालों को भी अपना जो है वो मैसेज दे दिया है। इनके डाले में हम मौजूद थे, फाइट करने जा रहे हैं रोड़ी काकर से, फाइट जो है वो भी आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर।